दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड फिल्मों की चाइना में धूम मची हुई है। सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान, दंगल और हिंदी मीडियम जैसी फिल्में इस बात का सबूत है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि बजरंगी भाईजान के बाद सलमान की सुल्तान भी चीन में रिलीज होने वाली है। बता दें कि सुल्तान चीन में 31 अगस्त को रिलीज होगी। वहीं हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि सुल्तान को चीन में 11,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही फिल्म के हर दिन 40,000 शो दिखाए जाने हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सलमान की यह फिल्म चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा सकती है। लेकिन ये क्या चीन में रिलीज होने से पहले ही सलमान के सुल्तान को जोर का झटका लग गया है, और ये झटका सलमान को किसी और ने नहीं बल्कि आमिर खान और इरफान खान ने दिया है। दरअसल आमिर खान की फिल्म दंगल 11,000 स्क्रीन के साथ चाइना में रिलीज हो चुकी है। वहीं इरफान खान की हिंदी मीडियम को तो 18,000 स्क्रीन के साथ चाइना में रिलीज किया गया था। इसका मतलब सलमान इस मामले में इन दोनों ही खान से काफी पीछे रह गए हैं। बता दें कि सुल्तान में सलमान के साथ अनुष्का शर्मा नजर आई थी। फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया था। वेल, देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुल्तान कमाई के मामले में इन दोनों ही फिल्मों को पीछे कर पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, सुल्तान चीन में एक नया इतिहास रचने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।